हेलो नमस्कार जी, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं किशमिश खाने के फायदों के बारे में बताऊंगी कि किशमिश खाने से आदमी कितना तंदुरुस्त रह सकता है। जैसे एक तो छोटी दांत होती है और एक बड़ी दांत, दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बड़ी दांत तो एक खून बनाने का भी खजाना है, तो किशमिश को जरूर खाना चाहिए। किशमिश इतनी लाभदायक है कि आप इसके लाभ सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसका रोजाना सेवन करने से त्वचा पर चमक आ जाती है, ग्लो आ जाता है और चेहरे की झुर्रियां भी समाप्त हो जाती हैं और एक बूढ़ा आदमी भी नौजवान दिखने लगता है। और किशमिश खाने से आपकी पाचन क्रिया ठीक होती है, जिससे आप फिट रहते हैं और स्वस्थ रहेंगे। तो किशमिश का सेवन जरूर करें, क्यों उसको लें, जब आप किशमिश खाते हैं तो ठीक ढंग से 2-3 पानी से उसको धोएं, फिर उसके बाद खाएं, क्योंकि उसमें भी पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ लगाते हैं उनको सेफ रखने के लिए, तो उनको ठीक ढंग से साफ कर लें। और किशमिश खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहता है, वो भी नहीं बढ़ता। आपके जो हार्ट पे जो धक्के खून के जम जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, वो भी नहीं जमता और आप हार्ट अटैक पड़ने से बचे रहते हैं। तो मेरी ये आपसे निवेदन है कि आप बड़ी दाग का सेवन या छोटी का भी करें, लेकिन बड़ी का ज़्यादा करें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हार्ट अटैक से भी आपको बचाती है। और जैसे कि दिल का दौरा पड़ जाता है, तो दिल के दौरा इंसान को कई बार अगर एकदम स्टंट वगैरह या पेसमेकर वगैरह डालने वाले हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाए तो आदमी चला भी जाता है। तो आप किशमिश खाते रहेंगे, अपने शरीर के लिए नहीं कुछ लगाएंगे तो क्या जीना हुआ, तो जरूर खाएं आप किशमिश। और जैसे किशमिश खाने से लीवर की जो बीमारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। इसके लगातार सेवन से शरीर में मौजूद टॉक्सिन जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो जहरीले तत्व अंदर पनपते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि आपकी किडनी भी खराब नहीं होती, आपकी किडनियाँ सही सलामत रहती हैं। तो किशमिश का प्रयोग जरूर करें। हर मेवे की तरह यह भी वजन बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज पाया जाता है और जिससे कि शरीर को एनर्जी मिलती है, शरीर ताजा और ऐसे आप बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं। तो आप किशमिश का प्रयोग जरूर करें। और इसमें बहुत आयरन भी पाया जाता है, जो कि एनीमिया नहीं होने देता, यानी कि शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। खून बनाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को भी किशमिश पूरा करता है। और हाँ, जैसे कि लीवर की जो बीमारियां होती हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि आप हर रोज लीवर 52, जो एक दवाई बड़ी आती है, अच्छी आती है लीवर के लिए, जो कि खून यानी कि हमारी लीवर को बिल्कुल तंदुरुस्त रखती है, और जो उसके अगर हमारा लीवर ठीक है तो हमें भूख भी अच्छी लगेगी, हमारा शरीर बहुत अच्छा बनता है। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि लीवर 52 आप जरूर लें, ये हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, तो आप लीवर 52 का प्रयोग जरूर करें। और अगर किसी शराबी से उसकी शराब छुड़ानी हो, तो ऐसे शराबी जैसे कि पहले तो शराबी पीते हैं शराब ऐसे शौक के लिए, और फिर उनका शौक उनकी मजबूरी बन जाता है, फिर शराब जो है वो उस शराबी को पीना शुरू कर देती है, वो छोड़ना भी चाहे तब भी नहीं छोड़ पाता। तो अगर किसी शराबी की शराब को छुड़ाना हो तो हर रोज
10-15 ग्राम किशमिश खाने को दें, जिससे वह कुछ ही दिनों में शराब पीना छोड़ देगा। और तो ये तो बहुत ही अच्छी दवाई है, अगर किशमिश खाने से कोई बड़ी दाख लाना आप, क्योंकि है तो महंगी होती है, पर लाना उसको जरूर। और शराबी को हर रोज 10-15 ग्राम खाने को देना, तो इससे आस्ते आस्ते वो शराब की आदत को छोड़ देगा। और यदि आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, तो भी आप किशमिश का प्रयोग करें, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाएगा और आप जो चक्कर आते हैं उनसे भी ठीक हो जाओगे। आप लगातार एक, ज़्यादा नहीं तो एक महीना भर आप 20-20 ग्राम हर रोज़ किशमिश खाएं। इससे आपका जो चक्कर आते हैं, जो मतलब आपको कमज़ोरी महसूस होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। और देखिए, किशमिश खाने से हड्डियां भी ठीक बनती हैं, मजबूत होती हैं हड्डियां। तो और जो आपके घुटनों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो आप किशमिश ज़रूर खाएं। मैंने किशमिश के बारे में जो प्रकाश डाला, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इनके ऊपर ध्यान देंगे और किशमिश का प्रयोग ज़रूर करेंगे। और लीवर के लिए जो मैंने दवाई बताई, लीवर 52, उसका प्रयोग भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं बोलना भूल गई कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, मुझे बनाने भी नहीं आती, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपने ठीक बोला या गलत बोला, तो ज़रूर बताना। थैंक यू।